अब हमारे घर के लिए मूव कर दिया है, ठीक है, मुंबई की तरफ जा रहा हूँ मैं। ओके तो बस अच्छा एक चीज मैं आपको कहना चाह रहा था कि भाई देखो बकरेबाजी में आप बकरे खरीदते हो, बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। जैसे आज अगेन अजमेर साइड में फ्रॉड हुआ, कितना मालूम 260 रुपीज पर केजी बोल के बेचारे लोगों के पास जब बकरे आए घर पे तो 450-500 रुपया पर केजी बैठ गए। ओके तो इतने सस्ते तो बकरे मिलते नहीं, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, अगर आपको डाउट हो ना कि कौन ट्रेडर सही है नहीं है, एटलीस्ट पूछ लो जानकार लोगों से। और मैं तो यंगस्टर से कहना चाहता हूँ जो नए गोल्ड फार्मर है बेचारे बहुत हार्ड अर्न मनी करते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं, बकरेबाजी में आपको 24/7 कोई भी डाउट हो ना, अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई सारी हेल्प हो जाएंगी, ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों को जस्ट आप लोगों की जो है ना वो दुआ चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग की दुआ हमारे लिए मोर देन इनफ है, हम लोग आपकी हेल्प कर पाए वो मेरे लिए इनफ है, ठीक है, रोड क्रॉस कर लूँ वरना गाड़ी उड़ा ना दे। ओके तो एनी टाइम आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बकरे अच्छे से पालो, प्रॉपर तरीके से पालो, ये मत करवा दो अपने बकरे को, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस करो। मेरे वीडियो से बहुत से लोग तपते भी होंगे, ये क्या ज्ञान देता है भाई, हम लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, सैलरी होल्ड पे आती है नहीं आती है, लेकिन जानवरों को खिलाना पड़ता है, हमारे पास थोड़ी ना करोड़ों अरबों रुपया रखा हुआ है बर्बाद करने के लिए। तो इसलिए प्रॉपर वे से करो, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बनाओ, उसके बाद ही कोई भी कारोबार करो दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नए गोल्ड फार्मर को बहुत सारी ट्रिक्स देने वाला हूँ, बहुत सारे फीडर्स हम लोग बनाते हैं ना जो फीडर ट्रे, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करो। ये जो पाइप आता है, जो अपना आता है ना पीवीसी का पाइप, उसको कट करके, और एक पाइप को अगर आप जो एक फुट वाला आता है उसको कट करोगे तो दो आपकी फीडर ट्रे बन जाती है, दोनों में ना बॉर्डर बन जाता है, बकरे आराम से खाना खाते हैं, गिरते नहीं है। और नए गोल्ड फार्मर के लिए कुछ ट्रिक देना चाहता हूँ, जब भी आप फार्म स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी आप खाना डालो तो आपका बंदा एक बकरों के पास रहना चाहिए और वो मॉनिटर करना चाहिए कौन सा बकरा खा रहा है कौन सा बकरा नहीं खा रहा है, ठीक है, नहीं खा रहा इट मीन्स उसको आपकी हेल्प की जरूरत है। पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ, और कुछ और आपको ट्रिक्स दूंगा कि फार्म में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो बकरा मारता है जैसे कमीनापन करता है ऐसे बकरों को रात में बांध दिया जाए, ठीक है, और चले ठीक है पापा इधर का चल इधर चल। और बकरे लोगों से आपको कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए अगर आप अच्छा बकरा पालना चाहते हो तो। डोमेस्टिक एनिमल है जो गोट्स है ना, वो डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा उनसे ना लव दिखाना पड़ेगा, मोहब्बत जो है वो दिखानी पड़ेगी। ओके उनसे कन्वर्जेशन बातचीत करना पड़ता है, थोड़ा ऐसा उनको ऐसा लाड करना पड़ता है ना पापा, तो उनको भी अपनापन लगता है और फिर वो महसूस करेंगे हाँ ये जो घर है ये हमारा ही घर है, और फिर अच्छे से खाएंगे और फिर अच्छे से बनेंगे। बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सारे बकरों को बदनजी से बचाए, मेरे भी आपके भी सारे बकरे तैयार हो जाए, ठीक है। तो ना आगे और आपको बहुत सारी टिप्स दूंगा इंशाल्लाह, स्टे ट्यून।